दोस्तों इस वीडियो में जानेंगे आप HDFC बैंक के FD को कैसे ब्रेक कर सकते हैं अर्थात तोड़ सकते हैं। इसके लिए आपको कहीं विजिट नहीं करना पड़ेगा अर्थात आपको किसी भी HDFC बैंक के ब्रांच में नहीं जाना पड़ेगा। FD ब्रेक करने के बाद जो भी आपके FD में पैसा रहेगा वो सभी पैसा आपके डायरेक्ट अकाउंट में भी आ जाएगा। तो कैसे आपने FD को क्लोज कीजिएगा चलिए आपको स्टेप बाय स्टेप करके दिखाते हैं। क्योंकि देखिए मेरा भी अकाउंट HDFC बैंक में है और हम अपना एक FD बना करके रखे थे HDFC बैंक में। तो चलिए उस FD को आपको ब्रेक करके अर्थात तोड़ करके दिखाते हैं कैसे आप उसको ब्रेक कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको HDFC बैंक के ऑफिशियल मोबाइल ऐप को ओपन करना होगा क्योंकि आप यहीं से अपने FD को ब्रेक कर सकते हैं अर्थात क्लोज कर सकते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हम इसको ओपन कर लिए। ओपन करने के बाद इससे पहले आपको इसका रजिस्ट्रेशन वगैरह करना होगा। आप रजिस्ट्रेशन कैसे कीजिएगा ऑलरेडी डिटेल पूर्वक वीडियो कर दिए हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसके बाद आपको अपना से MPIN डाल करके या फिर फिंगर लगा के आप इसको ओपन कर सकते हैं। उसके बाद अपने FD को ब्रेक करने के लिए अर्थात तोड़ने के लिए क्या आपको ऊपर में कोई ऑप्शन मिल जाएगा यहाँ पे देखिए मेन्यू का, आपको इसी मेन्यू के ऊपर क्लिक करना होगा। जब आप इस मेन्यू के ऊपर क्लिक करते हैं आपको एक ऑप्शन मिलता है फिर सेव का, आपको सेव के ऊपर क्लिक करना होगा। आपको ऑप्शन मिल जाएगा डिपॉजिट का, डिपॉजिट के ऊपर क्लिक करना होगा। उसके बाद जो भी आपने FD बना करके रखे होंगे HDFC में आपको FD शो हो जाएगा। आप देख पाएंगे कितने अमाउंट के साथ बनाए थे वो अमाउंट भी शो हो जाएगा। तो हम अपना जो FD बनाए थे केवल 5,000 रुपये के साथ बनाए थे तो मेरा अमाउंट हमें शो हो रहा है। उसके बाद FD का जो भी अकाउंट नंबर होगा, अकाउंट नंबर रहेगा वो आपको अकाउंट नंबर यहाँ शो हो जाएगा। आप देख पाएंगे और आपका अमाउंट यहाँ पे शो हो जाएगा। आपने FD को क्लोज करने के लिए अर्थात हमेशा के लिए तोड़ने के लिए आपको इस एरो के ऊपर क्लिक करना होगा। आपको यहाँ पर देखिए एरो ऑप्शन मिल रहा होगा। जैसा आप इस एरो के ऊपर क्लिक करते हैं तो फिर से आपको FD का पूरा डिटेल देखने के लिए मिल जाएगा, जैसे कि आपको कितना इंटरेस्ट रेट मिलना रहेगा। जैसे कि हमें 91 रुपया इंटरेस्ट रेट मिलना होगा तो हमें 5,091 रुपया शो हो रहा है। उसके बाद कितने दिन के लिए बना था वो डेट और कितना इंटरेस्ट रेट मिलना होगा वो इंटरेस्ट रेट यहाँ पे शो हो रहा है। आपको पूरा डिटेल यहाँ पे शो हो जाएगा। उसके बाद इसको ब्रेक करने के लिए आपको थोड़ा सा और नीचे आना होगा। जब आप नीचे आते हैं आपको एक ऑप्शन मिलता है देखिए ब्रेक दिस FD का, आप यहाँ पे देखो आपको इसी के ऊपर क्लिक करना होगा अपना FD ब्रेक करने के लिए। जैसा आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं उसके बाद आपके सामने फिर से एक बार डिटेल देखने के लिए मिल जाएगा। आप एक बार अपना डिटेल मैच कर लीजिएगा। अगर आप मैच्योरिटी से पहले ब्रेक करें तो आपको कितना पैसा मिलेगा वो सभी डिटेल शो हो जाएगा। क्योंकि देखिए हम जो ये FD ब्रेक कर रहे हैं, मेरा जो समय था 6 महीने के लिए हम इस FD को बना करके रखे थे लेकिन अभी तक 6 महीना नहीं पूरा, हम उससे पहले इसको ब्रेक कर रहे हैं तो हमें कितना पैसा मिलेगा यहाँ डिटेल देखने के लिए मिल रहा है। देखिए हमें 5,003 रुपया ही केवल मिलेगा क्योंकि हम इसको पहले ब्रेक कर रहे हैं। अगर समय से ब्रेक करते हैं तो हमें जो इंटरेस्ट मिलना था वो हमें इंटरेस्ट मिलता। अगर आपका समय पूर गया तो ऑटोमेटिक आपका FD ब्रेक हो जाता है, उसके बाद आपका पैसा आपके अकाउंट में आ जाएगा। लेकिन अगर आप समय से पहले उसको ब्रेक कर रहे हैं तोड़ रहे हैं FD को, उसके बाद आपको थोड़ा सा कम इंटरेस्ट के साथ कम पैसा अर्थात इंटरेस्ट मिलता है। तो कितना मिलेगा पूरा डिटेल यहाँ पे शो हो जाएगा। उसके बाद इस अकाउंट में आपका पैसा आएगा, आपका अकाउंट नंबर शो हो जाएगा। उसके बाद ऑलरेडी पहले से कितना आपका पैसा है वो डिटेल यहाँ पे भी शो हो जाएगा, आप मैच कर लीजिएगा। उसके बाद नीचे में आपको प्लेंटी देखने के लिए मिल जाएगा। आप यहाँ पे प्लेंटी चार्ज भी रीड कर सकते हैं। देखिए आपको 1% का चार्ज लगेगा अगर आप समय से पहले अपने FD को ब्रेक करते हैं तो। उसके बाद आपको टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करके आपको कन्फर्म पर क्लिक करना होगा तो आपका FD यहाँ से सक्सेसफुल ब्रेक हो चुका। देखिए मेरा FD ब्रेक हो चुका और हमें मैसेज भी मिल चुका है और यह देखिए बोल रहा है यू हैव सक्सेसफुल ब्रोकन योर फिक्स्ड डिपॉजिट, अर्थात आपका जो FD था वो ब्रेक हो चुका है और आपका जो पैसा है वो आपको आपके इस सेविंग अकाउंट अर्थात HDFC बैंक में जो भी आपका अकाउंट रहेगा सेविंग या फिर करेंट उसमें ट्रांसफ़र कर दिया गया। तो मेरा सेविंग है यहाँ पे सेविंग लिखा हुआ भी मिल रहा है, इस अकाउंट में डिपॉजिट कर दिया गया और मेरे अकाउंट में पहले से 2,000 रुपया था और अभी 5,000 रुपया ऐड होकर के देखिए हम मेरा टोटल बैलेंस 7,038 रुपया हो चुका। आप देख लेंगे तो कुछ इस प्रकार से आप अपने FD को ब्रेक कर सकते हैं। इसके लिए आपको किसी भी HDFC बैंक के ब्रांच में नहीं जाना पड़ेगा। अगर आप HDFC बैंक के मोबाइल बैंकिंग या फिर नेट बैंकिंग को यूज करते हैं आप वहाँ से ब्रेक कर सकते हैं। हम फिलहाल इसके मोबाइल बैंकिंग को यूज कर रहे हैं तो मोबाइल बैंक से हम इसको ब्रेक करके आपको दिखा दिए। अगर आप इसके नेट बैंकिंग को यूज करते हैं तो वहाँ से कैसे ब्रेक करेंगे आपको पता नहीं है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपको उसके ऊपर प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मन में कोई भी कंफ्यूजन कोई भी सवाल हो
कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद।